Hey guys, welcome to my channel. Guys, आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी पिट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से जिसका नाम है लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी, यानी कहा जाए तो लोथल की खुदाई की खोज जिसने की थी उनका क्या नाम है, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, एस आर राव या आर एस बिस्ट। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि लोथल की खुदाई की खोज जिसने की थी उनका नाम था एस आर राव। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष जो मिला था वो कहाँ मिला था, बनवाली में, चन्हूदड़ों में, सुक्का गेंडोर में या सुरकोटदा में। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष सुरकोटदा में मिला था। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सतप्रत ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है, सामवेद के, अथर्ववेद के, ऋग्वेद के या यजुर्वेद के। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए और खुद एनालाइज भी कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यजुर्वेद, सतप्रत ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, बोधगया में, कुशीनगर में, राजगृह में या वैशाली में। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, बुद्ध ने जब अपने प्राण त्याग किए थे उस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, और यह आपका हुआ था कहाँ, कुशीनगर में, कुशीनगर के मल्ल के यहाँ इनका परिनिर्वाण हुआ था। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तो सारे ऑप्शन मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो कौन सा है, 11वां, 12वां, 13वां या 14वां। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो 13वां शिलालेख वो सबसे बड़ा शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक जो है उन्हें, यानी भूदान आंदोलन के जो प्रवर्तक है वो कौन है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को, श्री रामचंद्र रेड्डी को, महात्मा गांधी को या विनोबा भावे को। तो यहाँ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विनोबा भावे को भूदान आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू या बेगम हजरत महल। तो यहाँ आपका डी सही हो जाएगा, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे, 1923 में, 1924 में, 1925 में, 1922 में। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया, दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में, जनवरी 26, 1931 कलकत्ता में, जनवरी 24, 1950 दिल्ली में या अगस्त 14, 1896 इलाहाबाद में। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम दिसंबर 27, 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, यानी एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता के रूप में नहीं थे, उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है, 3.4, 4.4, 5.4 या 2.4। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है, दूसरा, चौथा, छठा या सातवां। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सातवां स्थान है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है, चंडीगढ़ का, लक्षद्वीप का, दमन व दीव का या पांडिचेरी का। तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है सही हो जाएगा, पांडिचेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उटकमुंड, अन्नाईमुडी, दोदा बेटा या महाबलेश्वर। तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, अन्नाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सी झील मणिपुर में स्थित है, भीमताल, लोकतक, मिरिक या सेचल। तो गाइज यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि लोकतक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। तो गाइस यहां जो आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में किस क्रांति में तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की, यहाँ देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति या पीली क्रांति। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तेज और सम्मिलित विकास, तेज शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास, तेज विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास या तेज सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेज सतत और अधिक सम्मिलित विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, 2, 5, 7 या 10। तो गाइज यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम। यहाँ कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 14 अगस्त 1947 या 14 अगस्त 1947। तो राइट ऑप्शन बताइए, यहाँ दो एक ही सेम ऑप्शन दे दिया है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। फिर कह रहा है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था, बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला या बी डी जत्ती। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति, मतलब कौन से राष्ट्रपति थे, 16वें, 14वें, 12वें या 11वें। तो गाइज यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है बी, 14वें राष्ट्रपति थे। इस क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी अदिश राशि है, कार्य, वेग, बल या त्वरण। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कार्य, कार्य अदिश राशि है, बाकी सब सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संघनन या पौधों में वाष्पोत्सर्जन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या प्रबल नाभिकीय बल। राइट ऑप्शन बताइए कि इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रबल नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आर्निथोलॉजी का संबंध किससे है, हड्डियों से, पक्षियों से, आभूषणों से या धातुओं से। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है, आर्निथोलॉजी का संबंध पक्षियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मर्मिकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, निमेटोलॉजी या नीडोलॉजी। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है, अच्छे से रीड कर लीजिए और इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैथ के क्वेश्चन में बाद में कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का है, इसका भी जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मैथ के सारे क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगी, अभी सिर्फ मैं आपको आंसर बता देती हूँ ताकि आप मैच कर सके सॉल्व करके। जो 33 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आंसर जो होगा वो 5 होगा। इसमें बोर्ड मार्क्स का रूल अप्लाई करेंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैथ का क्वेश्चन है और इसमें जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का है जिसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, करके देखिएगा सही आंसर आ जाएगा। बाद में मैं मैथ के सारे क्वेश्चन एक साथ कराऊंगी। फिर कह रहे हैं कि देशभक्ति में कौन सा समास है, द्वंद, कर्मधार है, तत्पुरुष या द्विग। तो जब भी समास आए तो सबसे पहले समास विग्रह कर लीजिए। इसमें कह रहे इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा देश के लिए भक्ति। तो कौन सा इसमें हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का उपयोग है, तो अगर इसको हम संधि विच्छेद करें तो इसमें प्राक प्लस ऐतिहासिक होगा, यानी प्राक प्लस ऐतिहासिक कौन सा संधि विच्छेद होगा, ये व्यंजन संधि विच्छेद है। तो प्राक इसमें उपसर्ग लगा हुआ है तो प्राक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि तुलसीदास किसकी कविता है, मुक्तिबोध की, अज्ञेय की, हरिवंश राय बच्चन की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये निराला की कविता है। फिर कह रहा है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है, बहिधनकार, यहाँ बहिधनकार इसका राइट संधि विच्छेद होगा जो की सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि निम्न से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, पहिया, लिखावट, पखावज या मजधात। तो गाइस यहाँ जो पुल्लिंग है वो है पहिया। पहिया क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। फिर आपको एक पूरा पैसेज दिया हुआ है और 41 से लेकर 45 तक आपको रीड करके बताना है, तो आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाई दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से रीड कर पाए। आप बीच में वीडियो स्टॉप करके इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं, उसके बाद आपको आगे के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसमें कह रहा है कि बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था, वाक्य का भाव क्या है? ठन ठन गोपाल मतलब, ठन ठन गोपाल मतलब बारिश नहीं हुई थी, ठन ठन गोपाल कोई मतलब ही नहीं निकला, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो गया कि बारिश ही नहीं हुई थी। फिर कह रहा है सावन सिर पर था, इस कथन का आशय क्या है? कि सावन दूर था, आने वाला था, आ चुका था या सूखा था? यह कौन सा सही हो जाएगा? आ चुका था। फिर कह रहा है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन क्या हो सकती है? अगले दिन तेज बारिश हो सकती है, लोग बारिश होने से खुश होते हैं। अगर बारिश होती तो लोग बारिश से क्या हो जाते? खुश हो जाते। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आंसर आप जब पैसेज रीड कर लेंगे तभी आप दे पाएंगे। फिर कह रहा है झींसिया शब्द का भाव क्या है? तेज फुहारे, तेज बूंदाबांदी, बहुत हल्की बूंदाबांदी या मूसलाधार बारिश? तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत हल्की बूंदाबांदी। फिर कह रहा है हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया हुआ है? पढ़ाई में पिछड़े, हर्षोल्लास से त्योहार मनाने वाले, दिमाग से कमजोर या बारिश का मजा लेने वाले? ढीलों ने, हम जैसे ढीलों ने यानी पढ़ाई में पिछड़े, तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी आपका एक कविता दी हुई है और कविता को रीड करके आपको क्या करना है? आंसर देना है। कविता है अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिर सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। इसमें कह रहा है कि गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, बेखबर होना या चिंता युक्त होना? तो इसमें कवि क्या कह रहा है? बेखबर होना, यानी आप गहरी नींद में सो रहे हैं, मतलब ये थोड़ी ना कि आप सो ही रहे हैं, बेखबर हैं चीजों से, बेखबर। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, पाताल में, अतल गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता है या पतन की राह पर? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पतन की राह पर। फिर कह रहा है कि कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं? तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो बेखबर हैं जीवन की वास्तविकता से। फिर कह रहा है कि कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ताकि लोग गीत सुन सके, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। सुबह हो गई है या कवि का दायित्व है? यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपके पास लेस अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या अनुप्रास अलंकार? यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। फिर आपको क्या करना है? पैसिव वाइज में चेंज करना है। डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, तो इसको अगर पैसिव वाइज में चेंज करें तो क्या हो जाएगा? लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पैसेज दिया हुआ है, पैसेज रीड कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद आपको आंसर देना है। पैसेज आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका पूरा पैसेज है, आपको अच्छे से रीड करना है, इसके बाद ही आप क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि द लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ द इंडियन कल्चर टूडे इज, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंथेटिक फाइबर। फिर कह रहा है द सिंथेटिक फाइबर हैज ऑलवेज बीन पॉपुलर इन इंडिया, बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर्स, नेवर बीन पॉपुलर इन इंडिया या बीन एज पॉपुलर एज अदर काइंड्स ऑफ फाइबर? तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है द लेटेस्ट सिंबल ऑफ मॉडर्निटी ऑफ फॉर द रूरल पीपल इज द बाइसाइकिल, द रिस्ट वॉच, द ट्रांजिस्टर या द सिंथेटिक क्लॉथ? तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहे हैं द टर्म न्योरिच मीन्स, मतलब जो टर्म है न्योरिच उसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द न्यूली रिच पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है झाड़ू का फर्श से वही संबंध है जो चम्मच का थाली से है, मेज से है, छुरी से है, कांटा से है, एप्रिन से है? तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थाली से है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है।
ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का है, इसे आपको सॉल्व करना है। और यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग को, इसे भी आपको सॉल्व करना है। और यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है कि इसमें उस शब्द को चुनिए जो अन्य चारों के समूह से संबंध ना हो, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या अरेबिया। तो राइट ऑप्शन बताइए, यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरेबिया इन तीनों से डिफरेंट है। ये मैथ का क्वेश्चन है, अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद आपको आंसर देना है। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया है, प्रतीक मित्तल को, रवि गायकवाड़ को, शरद जोशी को या अर्जुन मुंडा को। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रवि गायकवाड़। 60 नंबर क्वेश्चन में जो आपका राइट ऑप्शन था वो भी बी ही था। फिर कह रहे हैं कि भारतीय सेना द्वारा ह्यूमन राइट सेल का प्रमुख किन्हें बनाया गया है, शिवेंद्र जोशी को, खुशवंत सिंह को, प्रतीक चौहान को या गौतम चौहान को। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गौतम चौहान को। फिर कह रहा है कि भारतीय सेना द्वारा ह्यूमन राइट सेल का प्रमुख किसे बनाया गया है, गौतम चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य ने ग्रेड फोर्थ के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया है, मणिपुर, असम, दिल्ली या नागालैंड। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असम। फिर कह रहा है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर, 18 दिसंबर, 17 दिसंबर या 16 दिसंबर। तो यहाँ जो आपका ए ऑप्शन में सही हो जाएगा, 19 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है, लुसी ब्रॉस, मारा गोमेज, सामंथा केर या होप सोलो। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मारा गोमेज। फिर कह रहा है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष राज्य है, केरल, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा या बिहार। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरियाणा। फिर कह रहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ने किन बल्लेबाज या बल्लेबाजों ने शतक बनाया, यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किन बल्लेबाजों ने शतक बनाया है, मार्नस लाबुसाने, स्टीव स्मिथ, अजिंक रहाणे या सभी। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इन सभी ने। इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, जय हिंद ब्रिज, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, अन्ना अलुंदर मेट्रो या प्रगतिशील मेट्रो। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है जायर अल बहर युद्धाभ्यास होता है, कहाँ होता है, भारत कतर के बीच, भारत रूस के बीच, भारत फ्रांस के बीच या भारत ओमान के बीच। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत कतर। बिहार के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी, आनंदीबेन पटेल, फागू चौहान या जगदीप धनखड़। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपसे कह रहे हैं कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया, पीवी सिंधु, कणम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम या साइना नेहवाल। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कणम मल्लेश्वरी ने। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा शहर वर्ष 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी करेगा, बीजिंग, दिल्ली, ओटावा या ब्रुसेल्स। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि भारत की अयोनिका जो पाल है निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती है, निशानेबाजी, टेनिस, बास्केटबॉल या टेबल टेनिस। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, निशानेबाजी। इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं किसको मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है, ईला भट्ट, जयप्रकाश नारायण, विश्वमोहन भट्ट या जोकिन अर्पुथम। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्वमोहन भट्ट को मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है। फिर कह रहा है किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, विद्या बालन, रघुनाथ मासेलकर, युवराज सिंह या मोहम्मद अली बेग। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, रघुनाथ मासेलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं निम्न में से किसको मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है, ईला भट्ट को, जयप्रकाश नारायण, विश्वमोहन भट्ट या जोकिन अर्पुथम। तो यहाँ जो गाइस राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वमोहन भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, विद्या बालन, रघुनाथ मासेलकर, युवराज सिंह या मोहम्मद अली बेग। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रघुनाथ मासेलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं अशोक लीलैंड के पूर्व सीईओ और एमडी का क्या नाम है, जिन्होंने रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है, विनोद के दसारी, धीरज हिंदुजा, राजीव दुबे या जीवी प्रसाद। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विनोद के दसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय हाल ही में किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय या संस्थान के कुलाधिपति या चांसलर के रूप में नियुक्त किए गए हैं, शारदा विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फुले, रोहेलखंड विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय।
इस क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज या संत रविदास नगर। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, संत रविदास नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो गाइस यहाँ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आगरा में, चंदौली में, उन्नाव में या मेरठ में। तो यहाँ का बी ऑप्शन सही है, चंदौली में। और आगे के जो 20 क्वेश्चन थे वो मैथ से रिलेटेड थे, इस वजह से मैंने उन्हें ऐड नहीं किया है। मैथ के जितने भी क्वेश्चन है मैं उन्हें बाद में डिस्क्राइब करूंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने टोटल 80 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से लेकर कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।